यहाँ देखिए, ये मैंने तीसरे टाइप का कर्टन है, यहाँ भी एकदम लेटेस्ट फैशन में है। ऐसे रिंग लगाकर हम लोग अपना कर्टन घर में भी बना सकते हैं। तो यह देखिए, मैंने यहाँ भी आड़ी साड़ी को यूज किया है और ऊपर में मैंने एम्ब्रॉयडरी की एक चुन्नी थी उसके दो पीस काट कर और मैंने उसे यूज किया है। अगर आपके पास में चुन्नी एम्ब्रॉयडरी की नहीं है तो आपके पास में कोई साड़ी है तो वहाँ भी यूज कर सकते हो। मैंने यह जो दूसरा कर्टन है उसमें साड़ी यूज की है, पर अगर आप इतना डार्क अगर कपड़ा यूज कर रहे हो तो आपको अस्तर भी मैचिंग लगाना जरूरी है, अदरवाइज उसका कुछ शो नहीं आता है। तो देखिए हम यह कैसे पट्टी लगाते हैं वहाँ हम आप देखेंगे। यह जो पट्टी रेडीमेड बाजार में मिलती है उसे हमको जो भी कर्टन आप सिल रहे हो उसके बैक साइड में इसे स्टिच कर लेना होता है। और फिर देखिए इसको जहाँ पे ऐसे होल आते हैं उसमें हमें ऐसे होल कर लेना होता है कर्टन में, और फिर उसमें सामने से यहाँ रिंग लगा स्टील की रिंग आती है वहाँ ऐसे लगा देनी होती है, और पीछे से इसे ऐसे जो प्लास्टिक की रिंग आती है उसे फिट कर देना होता है। एकदम इजीली यहाँ पट्टी आपकी तैयार हो जाती है। अब पर हमें यह ध्यान में रखना होता है कि यह जो हम पट्टी लगा रहे हैं उसमें इवन नंबर के होल्स होने चाहिए ताकि इसका फॉल भी अच्छा आता है, और जो यहाँ कर्टन हमारा होता है वहाँ ऐसे आपका कर्टन जमा होता है, अदरवाइज वो एक मुंह इधर जाएगा और एक मुंह उधर जाएगा, वहाँ अच्छा लुक नहीं दिखता है। तो हमें इवन नंबर के ही होल उसमें होने चाहिए। पर इसमें यह भी ध्यान रखना है, अगर आपके विंडो की जो चौड़ाई है वह 6 फीट की है तो मिनिमम आपको 9 फीट का तो भी इसे कर्टन बनाना होगा, नहीं तो फिर यहाँ उसमें फॉल नहीं दिखता है। अगर आपका फॉल नहीं दिखा तो वहाँ कर्टन अच्छा नहीं दिखता, तो आपको यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।